हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। हर संडे को ये रीडिंग आती है गाइस, जिसमें हम देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। यहाँ पर जो भी डेक्स मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मैं वही डेक्स ली हूँ। सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं इन जनरल अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, उसके बाद हम देखते हैं मेजर अरकाना से ओवरऑल देश में विदेश में अनएक्सपेक्टेड कैसी खबरें आपको सुनाई दे सकती हैं। इसके अलावा ड्रीम चैनलिंग, मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ हम देखते हैं जिसमें किस तरह के सपने आपको आए होंगे रिसेंटली या आ सकते हैं, ये हम देखते हैं। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज एंजल मैसेज, जिसमें हमको पता चलता है कि क्या खबर आएगी इस हफ्ते में। तो गाइज़, अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले संडे को मैंने जो अनएक्सपेक्टेड की थी उसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भी डाला था। काफ़ी लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि मैम ये आपने बोला था ये सच हुआ है। तो मैंने कहा था बिजली गिरने की खबर आएगी इस हफ्ते में, बिजली से रिलेटेड खबरें आपको सुनाई देंगी। और बिजली की मैंने थंबनेल भी लगाई थी, बिजली के साथ फायर की भी लगाई थी, क्योंकि मुझे जो चैनलिंग हुई थी वो बिजली और फायर की हुई थी। तो ज़्यादातर मेरा जो थंबनेल होता है वो मेरे चैनलिंग पर बेस्ड होता है। और आपने न्यूज़ देख ली होगी, गोवा के एयरपोर्ट पे बिजली गिरी, फिर आकाशीय बिजली गिरने से मौत का वीडियो वायरल हुआ जिसमें 3 बच्चों की जान चली गई, इसके बाद एक किशोर की जान गई, उसके बाद एक न्यूज़ आई जिसमें एक महिला की जान गई, झारखंड के बोकारो ज़िले में 2 बच्चों की जान गई, इसके अलावा 22 पशुओं की जान गई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ मेरे पास आए जो मुझे लोगों ने भेजे कि मैम आपका ये जो प्रेडिक्शन था। इसके अलावा मैंने कहा था किसी तीर्थ स्थान से रिलेटेड, एंशंट टेम्पल से रिलेटेड, देव स्थान से रिलेटेड कोई खबर आएगी। इसके अलावा मैंने स्पेशली मेंशन किया था कि देवी स्थान से रिलेटेड भी कोई खबर आ सकती है। तो शिमला के तारा देवी के पास जंगलों में भीषण आग लग गई उसके बाद, उसके अलावा जगन्नाथ जी के चंदन यात्रा में हादसा हुआ जिसमें मृत्यु हुई, और दर्शन करने जा रही बस श्रद्धालुओं से भरी हुई जम्मू पुंछ हाईवे पर गिर गई जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई, काफ़ी लोग घायल हुए। पिछले अनएक्सपेक्टेड में मैंने कहा था वर्ल्ड लेवल पे कोई बहुत बड़ी खबर आएगी और सोल लॉस का कार्ड आया था। मैंने कहा था सोल लॉस जब भी आता है तो मेजर एंडिंग होती है, मेजर डेथ की खबर, लमसम में लोगों की मृत्यु सुनाई देती है। और पापुआ गिनी में 2000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। आपने नोटिस किया होगा पिछले हफ्ते की जो अनएक्सपेक्टेड की थंबनेल थी उसके पहले मैंने एक थंबनेल लगाई थी। मैंने कहा था भूकंप या इस तरह की कोई, मुझे एक चैनलिंग हुई थी तो मैंने कहा था कुछ बड़ा होने वाला है, और उसी के संडे या मंडे के दिन ही पापुआ गिनी में इतना बड़ा लैंडस्लाइड आया जिसमें 2000 लोग, कुछ होते हैं 2000 लोग, मतलब एक पूरा गांव ही साफ हो गया, सोचिए। तो ये एक न्यूज़ मुझे मिली थी। बाकी इज़राइल और हमास का तो खैर चल ही रहा है, उसमें तो काफ़ी मृत्यु हो रही है। पानी से रिलेटेड खबर, तो पानी आपने देख ही रहा, तांडव मचा रहा है पानी, मिज़ोरम, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, हर जगह बांग्लादेश। फायर की न्यूज़ अनलिमिटेड है, तो नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सभी डायरेक्शन से रिलेटेड कोई ना कोई खबरें मेरे पास आई हैं। सो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ लास्ट जो मैंने कहा था वो, इवन आप नोटिस कीजिए कि माँ तारा का कार्ड था। जब मैंने कहा कि देवी स्थान से रिलेटेड कोई खबर आएगी तो माँ तारा का कार्ड था, और तारा देवी मंदिर में ही, मंदिर के आसपास ही जंगल जो हैं वो जले हैं। सो देखते हैं इस हफ्ते में भगवान क्या बताना चाहते हैं, क्या निकल कर आता है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हमारे वीडियो में। सबसे पहले टैरो से शुरुआत करेंगे। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। हम्म,
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या होने वाला है? अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, एक शफल, जिसे आना है आ जाए। ये कार्ड उछल के बाहर गया था और ये वापस आ गया, तो हम इस कार्ड को ले रहे हैं बिकॉज दो बार आ चुका। सो सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक, इस हफ्ते में आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी इच्छाएं हैं आपकी, आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो सच होगा। आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी विशेज, आपकी होप्स, आपकी मनौती, आपकी दुआएं कबूल होंगी, ऐसी वाइब्स है, ये वाली एनर्जी है। इसके अलावा इस हफ्ते में कुछ लोग कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे कि इनकी लाइफ बन जाएगी। आपकी लाइफ में अबंडेंस आते हुए नज़र आ रही है। या तो आप कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं अपने जीवन का, करियर के क्षेत्र में या लव लाइफ के क्षेत्र में, जिससे कि आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। सक्सेस मिलने की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन हो सकती है कि आप बहुत अकेला फील करेंगे। हो सकता है कि आपके आसपास बहुत भीड़ रहती हो, बहुत सारे दोस्त हों आपके, बहुत सारे करीबी हों, बहुत सारे अपने हों, लेकिन इस हफ्ते में आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि इस भीड़ में आपका अपना कोई नहीं है। आप बिल्कुल अकेले अपने आप को फील कर सकते हैं, लेकिन आपके उम्मीद की किरण है, मतलब होपलेस मत होइएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन किसी के साथ आती है तो होपलेस मत होइएगा, जाकर मेडिटेशन कीजिएगा थोड़ा। अगर अकेले रहने का मन कर रहा है, आइसोलेटेड रहने का मन कर रहा है, बिल्कुल रहिए, बहुत अच्छी बात है आइसोलेशन में रहना। और थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, आत्ममंथन कीजिए, अपने अंदर जाने की कोशिश कीजिए थ्रू मेडिटेशन, और थोड़ा टाइम अपने आप को कट ऑफ कीजिए अगर आपको ऐसा फील होता है तो। किसी तीर्थ स्थान पर आप जा सकते हैं जहां पर आपको पॉजिटिव वाइब्स रिसीव हो। ट्रैवल की एनर्जी है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं इस हफ्ते में, काफ़ी लोगों का वीज़ा लग सकता है, जो लोग बहुत समय से वेट कर रहे हैं, कंफर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा विदेश जाने या आने से रिलेटेड कोई बड़ी खबर इस हफ्ते में आपको सुनाई दे सकती है। शिप से रिलेटेड कोई खबर भी आपको सुनाई दे सकती है। शिप, बोट या प्लेन, आना जाना जिससे हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, ऐसी कोई खबर आपको सुनाई दे सकती है। कुछ लोगों के लिए जगह चेंज हो सकती है, लोकेशन चेंज हो सकती है, मतलब आप एक सिटी से दूसरे सिटी या स्टेट से दूसरे स्टेट शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे किसी सिचुएशन में, मे बी आप ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे, मे बी आप अपनी जॉब चेंज करने का वेट कर रहे थे कि किसी दूसरी लोकेशन पे या अपने नियर बाय लोकेशंस पे, यहाँ पर वो सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है। हेल्थ से रिलेटेड कोई बड़ी खबर इस हफ्ते में आपको सुनाई दे सकती है। पशुओं से रिलेटेड कोई रोग आपको इस हफ्ते में सुनाई दे सकता है, कि कोई ऐसा रोग फैल रहा है जो कि पशुओं से रिलेटेड हो, या पशुओं की मृत्यु से रिलेटेड खबरें आपको इस हफ्ते में ज़्यादा सुनाई दे सकती हैं। डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन वाले अगर कोई हैं तो उनसे रिलेटेड कोई खबर इस हफ्ते में आपको सुनाई दे सकती है। इसके अलावा कुछ लोग कुछ करेजियस डिसीजन ले सकते हैं इस हफ्ते में। आप सोच समझ कर कुछ करेजियस स्टेप उठाएंगे, जो कि बहुत डेयरिंग स्टेप होगा, जिसको लेने के पहले आपने बहुत सोचा है, बहुत सोच विचार करके, लेकिन आप लेने वाले हैं। बच्चों से रिलेटेड कोई खबर इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है। मैं इस खबर से डर जाती हूँ, क्योंकि जब भी मैंने बोला है बच्चों से रिलेटेड खबर, उस हफ्ते में बच्चों से रिलेटेड बहुत ही भयानक खबरें आई हैं। अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें, और हो सके तो किसी ऐसे स्थान पर ना छोड़ें जहाँ पर खतरा हो, अपने पास रखें, बाद में आपको पछताना ना पड़े। बच्चों का बहुत ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें बच्चों को। इसके अलावा लव लाइफ के लिए अच्छी खबर है इस हफ्ते में। अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत नहीं हो रही है, बहुत अच्छा हफ्ता है ये। यूनियंस ही यूनियंस होंगे। जून शुरू हो गया ना, मैंने कहा था जून में मैसिव यूनियंस होंगे। 6 नंबर है, शुक्र का नंबर है। शुक्र हारमोनी के, लव के, रोमांस के ग्रह माने जाते हैं, तो यहाँ पर लोगों की लाइफ में लग्जरियस आइटम आएंगे। आप बहुत खर्च कर सकते हैं लग्जरी पर,
कोई सोफ़ा सेट ले आ सकते हैं, कोई क्रॉकरी ले आ सकते हैं, एक डिनर सेट ला सकते हैं आप। कुछ ना कुछ मतलब अपने घर को डेकोरेट करना, इंटीरियर में कुछ काम करवाना, पैसे खर्च करना मजबूत यहाँ पर। लव लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में आपको बहुत ही पॉजिटिव खबरें मिलेंगी। अगर आप सेपरेशन में हैं तो यूनियन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सिंगल हैं, प्रपोज़ल मिल सकता है किसी की तरफ से। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या चीज़ें निकल कर आती हैं ओवरऑल। जय हो शिव शक्ति। पहला कार्ड आ गया हमारे पास, किसी की डेथ थ्रू सुसाइड या मर्डर आपको सुनाई दे सकती है इस हफ्ते में। यूनियंस बहुत सारे होंगे, जय हो राधे कृष्णा, यूनियंस बहुत सारे होंगे। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस चाहते हैं ओपन करना तो पार्टनरशिप का ऑफर मिल सकता है। ओवरऑल काफ़ी ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है, यूनियंस तो बहुत होंगे इस हफ्ते में। जितने लोगों के यूनियंस होंगे इस अनएक्सपेक्टेड के वीडियो में ज़रूर बताना, जिसका इस वीडियो को देखने के बाद यूनियन होगा। खुद पर खर्च बहुत करेंगे, घूमने फिरने आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वाइब्स, आगे बताती हूँ, और भी कार्ड्स ले लूँ। वन मोर कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। देखिए अगर आप, आपके घर में सबसे पहले तो पेट आ सकता है, पेट की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है यहाँ पर। इसके अलावा कई लोग अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आप किसी सिद्ध पीठ पर दर्शन कर सकते हैं, किसी गुरु का, किसी नागा साधु का सपोर्ट या आशीर्वाद आपको मिल सकता है। जैसे आप किसी ऐसे संत से मिले जो कि आपको लग रहे हैं कि हाँ ये बहुत रियल हैं, बहुत ज़्यादा तेजस्वी हैं, और इनसे आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिल सकता है, या ये आपके बारे में कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से कुछ लोग अकेला रहना चाहेंगे, जैसे मैंने कहा आइसोलेटेड रहना चाहेंगे, किसी शांत प्लेस पर रहने का आपका मन करेगा। अनएक्सपेक्टेड शादी से रिलेटेड खबरें आपको सुनाई देंगी कि इनकी शादी फिक्स हो गई या आपके घर में शादी की बात चल रही है। अरेंज मैरिज की वाइब्स है, शादी से रिलेटेड खबरें इस हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देंगी। इसके अलावा किसी मंदिर से रिलेटेड खबर आपको इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है। यहाँ पर विष्णु जी की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण, ऐसे किसी टेंपल से रिलेटेड कोई खबर इस हफ्ते में आ सकती है। मैं नहीं कहूँगी कोई नेगेटिव खबर आए, बट यहाँ पर कोई चर्चा में विषय रह सकता है। इसके अलावा आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे इस हफ्ते में वो पूर्ण होगा। साथ ही पेट आपको मिल सकते हैं, किसी ऐसे स्थान पर जाने से बचिएगा जहाँ पर पहाड़ हो। पहाड़ी एरियाज़ में अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पहाड़ी एरियाज़ में जाना पसंद करते हैं, मत जाइए इस हफ्ते में। मुझे यहाँ वाइब्स पिक हो रही है, लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। कोई बुरी खबर तो नहीं है, आप जा रहे हैं या आपका कोई अपना जा रहा है, यहाँ ना जाए तो बेटर है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ खतरा हो सकता है, औरतों और बच्चों पर खतरा दिख रहा है मुझे, औरत एंड बच्चे, ठीक है। तो ये मेजर अरकाना से चीज़ें निकल कर आई हैं। देखते हैं ड्रीम चैनलिंग, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं अपनी चैनलिंग कर देती हूँ। आप में से कई लोगों को नाग नागिन नज़र आ सकते हैं, नाग नागिन का जोड़ा नज़र आ सकता है, या दो सांप नज़र आ सकते हैं, या आपको इच्छाधारी नागिन नज़र आ सकती है, इच्छाधारी नाग या नागिन आपको नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा देवी के दर्शन हो सकते हैं ड्रीम में, या तो आपको देवी पूरे स्वरूप में दिखेंगी, या तो फिर आपको लाल साड़ी में या पीली साड़ी में आपको नज़र आ सकती हैं, कई बार सफ़ेद साड़ी में भी नज़र आ सकती हैं। ज़्यादातर देवी लाल साड़ी में नज़र आती हैं या पीले वस्त्र में नज़र आती हैं।
इसके अलावा हाथी से रिलेटेड स्वप्न आप में से कई लोगों को आ सकते हैं, हाथी से रिलेटेड स्वप्न। इसके अलावा आपके भाई से रिलेटेड स्वप्न आपको आ सकते हैं, भाई, पिता, आपका कोई रिलेटिव आपको ड्रीम में बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं या मामा नज़र आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों को स्वप्न में कोई पंछी नज़र आ सकता है, बर्ड, कोई ऐसा पक्षी जो कि आपने इस संसार में देखा ही ना हो, बहुत ही यूनिक सा पक्षी हो सकता है, या फिर आपको रियलिटी में कोई ऐसा बर्ड नज़र आ सकता है जिसको आपने लाइफ में ना देखा हो, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से फीमेल से रिलेटेड ड्रीम आपको आ सकते हैं, चाहे वो यंगर हो, एडल्ट हो, बड़ी हो, औरत हो, बूढ़ी हो, बट कोई फीमेल आपको ड्रीम में नज़र आ सकती है। लोमड़ी से रिलेटेड सपने आपको आ सकते हैं, स्काई नज़र आ सकता है या स्काई में कोई मैसेजेस नज़र आ सकते हैं। फ्लावर्स की एनर्जी है तो यहाँ आपको फ्लावर्स नज़र आ सकते हैं, या तो कोई गिफ्ट दे रहा है, या आपको फ्लावर मिल रहा है, या फ्लावर का पेड़ लगा रहे हैं, या फ्लावर तोड़ रहे हैं, कुछ इस तरह के सपने आपको आ सकते हैं। फल के सपने आ सकते हैं, स्पेशली यहाँ बनाना की एनर्जी है, बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा फेदर्स या बटरफ्लाई आपको नज़र आ सकती है स्वप्न में, सूर्य के दर्शन हो सकते हैं, या तो फिर लाल कलर का सूर्य आपको दिख सकता है, या तो उगते हुए या डूबते हुए, बट दिख सकता है। इसके अलावा तोते आपको नज़र आ सकते हैं, तोता, पैरट आपको नज़र आ सकता है, आग से रिलेटेड सपने आपको आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एंजल्स इस हफ्ते में क्या गाइडेड मैसेजेस दे रहे हैं, किस दिशा से रिलेटेड कोई दिशा दी है या नहीं। इन्होंने दिशा तो दी है, आज के इस वीडियो में मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगी आप सबके साथ मिलके महादेव से। पापा तपस्या में हैं, आप सब जानते हैं, आप मेरी रीडिंग रोज देखते हैं, आजकल पापा नहीं आ रहे, मम्मी को भेज रहे, तो मैं यही कहूंगी कि बहुत पेड़ जल रहे हैं, हम ऐसे ही 50-55 डिग्री में पहुंच रहे हैं, 53 डिग्री टेम्परेचर है मेरे दिल्ली में, मेरे बहुत रिलेटिव्स रहते हैं, मेरी खुद की बहन रहती है, और दिल्ली में 53 डिग्री टेम्परेचर है, पानी खौल रहा है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी। और इतने जंगल जल रहे हैं, मैं तो यही सोच सोच के टेंशन में हूँ कि पूरा शिमला का जंगल जल रहा है, जम्मू कश्मीर का जंगल जल रहा है, उत्तराखंड के पूरे जंगल जल रहे हैं, पूरे हिमाचल के जंगल जल रहे हैं, रिहायशी एरिया तक आग पहुँच रही है, कितने पशु पक्षी जल गए होंगे, कितने बेघर हो गए होंगे। तो मैं आप सबके तरफ से और आप सबके लिए ये कहूँगी कि आप लोग भी प्रे करना, जब मैं ये प्रे करूँगी मैं महादेव से हाथ जोड़ के प्रे करती हूँ कि बारिश कर दे, लेकिन लैंडस्लाइड ना कर दे, ये ना हो कि पता चला एक मुसीबत टली दूसरी आ गई। मैं यही प्रार्थना करूँगी कि थोड़ी बारिश कर दे ताकि वो आग बुझ जाए और हमारे जंगल नष्ट ना हो। कृपा करें प्रभु, बहुत बहुत कष्ट है यहाँ पर। ये प्रार्थना मैं सबकी तरफ से कर रही हूँ ताकि हमारे जंगल बच जाएं, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, जितना हो सके पेड़ लगाइए, क्योंकि मेरे खुद 1,85,000 सब्सक्राइबर हैं, अगर आप लोग 10-10 पेड़ भी लगाएंगे तो कितने पेड़ लग जाएंगे। प्लीज़ डू जितना कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कार्ड्स हैं इसमें नज़र आ रहा है कि साउथ और नॉर्थ दिशा से रिलेटेड इस हफ्ते में खबर आ सकती है, डेथ की खबर है, ड्रॉट की खबर है, सूखे से रिलेटेड कोई खबर यहाँ पर नज़र आ रही है, सूखा पड़ने से रिलेटेड। और मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि बारिश हो जाए। डेथ का कार्ड है, कोई ना कोई डेथ की न्यूज़ आएगी आपको साउथ और नॉर्थ दिशा से रिलेटेड। इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है, कुछ लोगों को बहुत अंधकार फील हो सकता है, नेगेटिव ड्रीम्स आ सकते हैं इस हफ्ते में, ड्रीम्स में अटैकिंग एनिमल्स नज़र आ सकते हैं, या तो शेर आप पर अटैक कर रहा है, या बर्ड आप पर अटैक कर रही है, या कोई आप पर अटैक कर रहा है, या आप किसी से डर के भाग रहे हैं, इस तरह के स्वप्न आ सकते हैं। डार्कनेस की एनर्जी, काफ़ी लोगों को नेगेटिव वाइब्स फील होंगे। वॉरियर वुमेन की एनर्जी है, किसी ताकतवर महिला से रिलेटेड कोई खबर बहुत चलेगी इस हफ्ते में। अग्नि की खबर इस हफ्ते में भी है, बहुत ध्यान दीजिए। थंडर स्टॉर्म भी है, तो थंडर स्टॉर्म तो चलिए फिर भी ठीक है, बस ज़्यादा बड़ा स्टॉर्म ना आ जाए। थंडर स्टॉर्म तो सबके लिए अच्छा ही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बट यहाँ स्टॉर्म की वाइब्स है, तो साउथ और नॉर्थ की वाइब्स है, ड्रॉट की है। किसी टेम्पल से रिलेटेड खबर भी है इस बार, मैंने पहले ही बता दिया है,
यहाँ से भी कार्ड आया हुआ है, ये कार्ड मैंने पहले ही निकाला था। गुड न्यूज़ ये है कि आप में से कुछ लोगों के कार्मिक पार्टनर रिलीज़ होंगे, कर्मा रिलीज़ होगा, आपके कोई एनिमीज़ हैं वो टॉक्सिक सिचुएशंस रिलीज़ होंगी। गुड न्यूज़ ये है कि आप में से काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी, फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी और ट्विन फ्लेम्स के यूनियन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्टार सीड हैं, लाइट वर्कर हैं, असेंशन होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पेस में असेंशन होगा। असेंशन के साइंस मैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी अपने चैनल पर, ट्विन फ्लेम की सीरीज़ में पोस्ट कर दूँगी। आउल काफ़ी लोगों को नज़र आ सकता है लेकिन ड्रीम में ही शुभ है। अगर दिवाली के दिन आपको दिखता है वो भी ईस्ट से दिखता है और वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में जाता है, ईस्ट से आए और नॉर्थ ईस्ट में जाए तो शुभ है। इसके अलावा आउल का ड्रीम शुभ है लेकिन अगर रियलिटी में आपको आउल नज़र आता है तो वो आपके वेल्थ को, आपके हेल्थ को ख़राब करता है। तो रियलिटी में आउल नज़र ना आए तो ज़्यादा बेटर है, एक्सेप्ट देन दिवाली या धनतेरस। और किसी दिन आउल का दर्शन बहुत ही अगर आपको लाइव दिखता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। जैसे चमगादड़ को, बैट को अशुभ माना जाता है, वैसे ही उल्लू को नकारात्मक एनर्जीज़ या आप कह सकते हैं कि एक बुरी खबर लाने का प्रतीक माना जाता है। सो ये थी गाइज इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।